नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। मैं हूं आपका दोस्त पंकज कुमार द्विवेदी और आज के इस वीडियो में हम बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे। तो वर्ष 1952 में बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज मुंबई के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर वाई एम भेड़े ने की थी। पहली बार बॉम्बे में पाए जाने के कारण इसका नाम ही बॉम्बे ब्लड ग्रुप रख दिया गया। यह एक बहुत ही दुर्लभ ब्लड ग्रुप है जिसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट रक्त समूह कहा जाता है। भारत में देखा जाए तो यह 10,000 लोगों में से एक व्यक्ति में यह ब्लड ग्रुप पाया जाता है, जबकि यूरोप में 10 लाख लोगों में से एक व्यक्ति में यह ब्लड ग्रुप मिलता है। किसी व्यक्ति का रक्त बॉम्बे ब्लड ग्रुप में होने का पता तभी चलता है जब उसे खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में एच एंटीजन नहीं होता है। एच एंटीजन को मदर एंटीजन भी कहा जाता है और इसके ना होने पर लाल रक्त कण कोई ग्रुप नहीं बनाता, जैसे ए बी या ओ। आमतौर पर ब्लड टेस्टिंग में ऐसे व्यक्ति का ओ ग्रुप ही पता चलता है, लेकिन जब रिवर्स टेस्टिंग की जाती है तो पता चलता है कि यह बॉम्बे ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ही रक्त चढ़ाया जाता है। इसके विपरीत यदि किसी नॉर्मल व्यक्ति को बॉम्बे ब्लड ग्रुप के व्यक्ति का रक्त चढ़ाना है तो वह उसे रक्त दे सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को ए बी या ओ रक्त ग्रुप वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो दोस्तों, यह जानकारी थी बॉम्बे ब्लड ग्रुप पर। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।